अभी हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम डैग नाम की एक लड़की को देखते हैं। डैग अपनी छुट्टियां मनाने अपने पेरेंट्स को साथ अपने लेक हाउस पर लेकर आता है। लेक हाउस आकर डैग यहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम कार्सन होता है। कार्सन यहाँ एक बार में वेटर्स का काम करता था। इस बार में हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि इस टाउन का ऑफिसर था। एक दिन डैग जब अपने घर पर होता है तब ये यहाँ एक रिच कपल को देखता है जो कि इसके बगल वाले घर में रहने के लिए आते हैं। रिच कपल में हस्बैंड का नाम एलियट और वाइफ का नाम लीना था। लीना दिखने में काफी हॉट थी इसलिए डैग इसे और करीब से देखना चाहता था। डैग अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने ये लीना को करीब से देखता है। एलियट इस टाउन में पहली बार आया था इसलिए डैग के पेरेंट्स इससे बात करने आते हैं। डैग के फादर डैग को भी एलियट से मिलाते हैं। एलियट के पास एक महंगी बोट थी जिसे की रिपेयर करना था। डैग के फादर एलियट को बताते हैं कि डैग को बोट के बारे में काफी नॉलेज है इसलिए तुम चाहो तो बोट की रिपेयरिंग का काम डैग को दे सकती हो। दरअसल डैग के ग्रैंडफादर के पास कई सारी बोट थी और वो बोट जब भी खराब होती थी तो डैग उनके साथ उन्हें रिपेयर करता था। अब एलियट को भी अपने बोट को रिपेयर कराना था इसलिए एलियट डैग को काम पर रख लेता है। अगले दिन डैग जब बोट में काम कर रहा था तब ये यहाँ लीना को देखता है जो यहाँ शावर लेने आई थी। डैग लीना को ही देख रहा था कि तभी यहाँ एलियट आता है। एलियट डैग से बोट के बारे में पूछता है तो डैग इससे कहता है कि इस बोट में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं इसे जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा। एलियट अपने काम से बाहर जा रहा था इसलिए ये डैग से कहता है कि क्या मुझे वापस आने तक तुम मेरे इस बोट को ठीक कर दोगे। डैग कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं इस बोट को ठीक कर दूंगा। रात में डैग जब सो रहा था तब इसे एलियट के घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। डैग जब चेक करता है तब ये देखता है कि लीना और एलियट एक दूसरे से झगड़ रहे थे। एलियट लीना को काफी मारता है। सुबह होने पर एलियट अपने काम से बाहर चला जाता है। डैग अपने घर पर काम कर रहा था कि तभी ये लीना को देखता है जो कि घर से बाहर जा रही थी। डैग को लीना की चीख सुनाई देती है इसलिए ये भागकर लीना के पास आता है। दरअसल लीना की कार में एक मकड़ी थी जिसे देख लीना डर गई थी। डैग इस मकड़ी को कार से निकाल देता है। ये दोनों यहाँ बात करते हैं। हम देखते हैं कि लीना डैग के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन डैग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। डैग जब अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था तब ये रास्ते में लीना को देखता है। डैग लीना से पूछता है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो। तब लीना इससे कहती है कि इसके घर की चाबी गुम हो गई है इसलिए अब ये घर के अंदर नहीं जा सकती। लीना डैग से हेल्प मांगती है तो डैग भी लीना की हेल्प के लिए मान जाता है। डैग लीना के घर में जाने के लिए एक खिड़की का कांच तोड़ता है और घर में जाता है और दरवाजा खोलता है। लीना अब घर में आती है। लीना देखती है कि खिड़की से आते समय डैग को चोट लग गई थी इसलिए लीना डैग की चोट पर बैंडेज लगाती है। लीना यहाँ फिर से डैग के करीब आने ही लगती है जिसकी वजह से डैग इसे किस कर लेता है। डैग लीना के साथ यही किचन में ही खपाकप करता है। लीना के साथ खपाकप करने के बाद डैग काफी खुश होता है। अब डैग हमेशा ही लीना के बारे में सोचता रहता है। एक दिन डैग जब एलियट की बोट में काम कर रहा था तब लीना यहाँ मिलने आती है। लीना डैग को इसके साथ खपाकप करने के लिए कहती है। पहले तो डैग इसके लिए मना करता है लेकिन लीना के बार बार कहने पर डैग इसके साथ बोट में ही खपाकप करता है। एक दिन डैग देखता है कि एलियट घर वापस आ गया है। एलियट जब अपना बोट देखने आता है तब ये देखता है कि डैग ने बोट को अभी तक रिपेयर नहीं किया है। बोट का काम पूरा ना होने पर एलियट डैग को डांटता है और कहता है कि आखिर तुम इतने दिनों से कर क्या रहे थे, तुमने अभी तक इस बोट को ठीक नहीं किया। डैग कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी। एलियट जब घर पर नहीं होता तब लीना फिर से डैग के साथ खपाकप करती है। खपाकप होने के बाद डैग लीना के पैर पर एक हाफ हार्ट का टैटू देखता है। डैग लीना से इस टैटू के बारे में पूछता है। तब लीना इसे बताती है कि ये पहले किसी से प्यार करती थी लेकिन इनकी प्रेम कहानी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और ये अलग हो गए। लीना कहती है कि जैसे इसके पैर पर आधा हार्ट बना है वैसे ही आधा हार्ट इसके लवर के पैर पर भी बना है। लीना और डैग जब एक दूसरे के साथ में थे तब एलियट का एक गार्डनर इन्हें देख लेता है। एक रात लीना डैग को कॉल कर
करके टाउन के पास वाले हॉस्पिटल पर बुलाती है। डैक जब इससे मिलने आता है तब लीना डैक को बताती है कि आज एलियट ने इसे काफी ज्यादा मारा है। डैक लीना से कहता है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन लीना पुलिस को बताने से मना करती है। अब कई दिन बीत जाते हैं। लीना हर रोज ही डैक से फोन पर बात करती है। एक दिन फोन पर बात करते हुए लीना डैक को अपने घर पर बुलाती है। डैक जब लीना से मिलने आता है तब ये यहाँ एलियट की डेड बॉडी को देखता है। डैक लीना से इसके बारे में पूछता है, तब लीना इसे बताती है कि एलियट इसे मार रहा था, इसलिए ये खुद को बचाने के लिए इसके हाथ में जो भी आया इसने उसके सिर पर मारा, जिसकी वजह से एलियट यहाँ पर मर गया। एलियट की बॉडी देख डैक काफी डर रहा था। डैक लीना से कहता है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन लीना डैक को ऐसा करने से मना करती है। लीना कहती है कि एलियट की फैमिली काफी रिच है और अगर उन्हें पता चला कि मैंने ही एलियट को मारा है तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। डैक लीना की बात मानकर पुलिस को यहाँ नहीं बुलाता। डैक लीना से कहता है कि जो होना था अब वो तो हो गया, इसलिए अब हम दोनों को नॉर्मल तरीके से रहना होगा ताकि कोई हम पर शक ना करे। अगले दिन डैक अपने काम पर आता है। काम खत्म करके डैक लीना के साथ इसके घर आता है। डैक यहाँ एलियट की तरह कपड़े पहनता है ताकि अगर कोई भी इसे देखे तो वो इसे एलियट समझे। डैक एलियट की बॉडी लेकर उसके बोट पर आता है। इस जगह पर एक गार्ड था जो डैक को देख लेता है। अंधेरा होने की वजह से इस गार्ड को लगता है कि वो एलियट है, इसलिए ये गार्ड डैक को कुछ भी नहीं कहता। डैक एलियट की बॉडी के साथ साथ इस बोट में भी आग लगाकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुलिस को एलियट की जली हुई बॉडी और वो बोट मिलती है, जिसकी वजह से पुलिस लीना को बताती है कि किसी ने एलियट का मर्डर कर दिया है। ये सुन लीना भी ऐसे दिखाती है जैसे कि इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद हम डैक को देखते हैं जो बार में अपना काम कर रहा था। इस बार में कुछ ऑफिसर्स आते हैं। ये ऑफिसर एलियट की मौत के बारे में बात कर रहे थे। एक ऑफिसर अपने दूसरे ऑफिसर को बताता है कि एलियट की डेथ से लीना को एलियट के इंश्योरेंस से पूरे 76 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। ऑफिसर बताता है कि इस केस को हैंडल करने के लिए एक इंश्योरेंस डिटेक्टिव आने वाली है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इंश्योरेंस डिटेक्टिव लीना को पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए बुलाती है। डिटेक्टिव लीना से कई सारे सवाल पूछती है। डायरेक्टिव कहती है कि इसे लग रहा है कि लीना ने ही अपने हस्बैंड एलियट को मारा है ताकि एलियट के मरने के बाद उसके इंश्योरेंस के सारे पैसे इसे ही मिले। लीना इस बात से डिटेक्टिव पर काफी गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव एक ऑफिसर के साथ लीना के घर इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। डिटेक्टिव को यहाँ एक टूटी खिड़की दिखाई देती है जिस पर कुछ ब्लड लगा था। दरअसल इस खिड़की को डाग ने ही तोड़ा था जब लीना के घर की चाबी गुम गई थी। डिटेक्टिव इस ब्लड को जांच करने के लिए इसे यहाँ से ले लेती है। डैग लीना का पड़ोसी था, इसलिए पुलिस इससे पूछताछ करने के लिए इसे स्टेशन लेकर आते हैं। डिटेक्टिव डैग से एलियट के बारे में पूछती है, पर डैग एलियट के बारे में इन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताता। एक दिन डैग लीना से मिलने आता है। लीना डैग से कहती है कि पुलिस लगातार हमसे एलियट के बारे में पूछ रही है, इसलिए हम दोनों को बड़े ही सावधानी से रहना होगा। डैग अपना और लीना का मोबाइल फोन यहीं पर छुपा देता है। डिटेक्टिव को खिड़की पर जो ब्लड मिला था वो उस ब्लड को डैग के ब्लड से मैच करना चाह रहे थे, इसलिए ऑफिसर डैग को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। डिटेक्टिव डैग से कहती है कि अभी भी टाइम है, तुम एलियट के बारे में जो भी जानते हो वो सब मुझे बता दो, नहीं तो अगर तुम्हारा ब्लड खिड़की पर मिले ब्लड से मैच हो गया तो तुम एलियट के कातिल माने जाओगे, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। डिटेक्टिव के इतना कहने पर भी डैक इसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद डैक अपने फ्रेंड कार्सन से मिलता है। डैक कार्सन को अपने और लीना के बारे में चल रहे अफेयर के बारे में सब कुछ बताता है। कार्सन इससे कहता है कि ये सब हमें अपने टाउन के ऑफिसर को बता देना चाहिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। डैक भी कार्सन की बात मान लेता है और ये अपने टाउन के ऑफिसर से मिलता है। डैक ऑफिसर को अपने और लीना के अफेयर के बारे में बताने ही जा रहा था कि तभी उसके पेरेंट्स इसे कॉल करके जल्दी से इसे घर पर बुलाते हैं, इसलिए डैक यहाँ ऑफिसर को कुछ बताए बिना ही यहाँ से चला जाता है। डैक के जाने के बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर ग्लास पर लगे डैक के फिंगरप्रिंट को ले लेते हैं। कुछ समय बाद जब ऑफिसर को रिपोर्ट मिलती है तब उन्हें पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट और खिड़की पर मिला ब्लड डैक के ब्लड से मैच करता है, इसलिए ऑफिसर डैक को अरेस्ट करने इसके घर पर आते हैं। ऑफिसर जब डैक के कमरे में आते हैं तब ये देखते हैं कि डैक यहाँ से भाग गया है। दरअसल डैक खुद को एलियट के केस से बचाना चाहता था। डैक भागकर उसी कमरे में आता है
है जहां इसने अपना और लीना का फोन छुपाया था। डैग को यहां पर फोन नहीं मिलता, लेकिन डैग यहां लीना से मिलता है। दरअसल लीना ने ही उन फोन्स को यहां से हटा दिया था। लीना यहां पुलिस को देखती है, इसलिए ये अपने कपड़े फाड़कर ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि डैग इसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। ऑफिसर यहां डैग को अरेस्ट कर लेते हैं। डैग अपने टाउन के ऑफिसर से कहता है कि इसने एलियट को नहीं मारा है, इसलिए अगर ये इसे थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये खुद को बेकसूर साबित कर सकता है। ऑफिसर डैग की बात मान लेता है, जिसकी वजह से ये डैग को यहाँ से जाने देता है। ऑफिसर यहाँ ऐसा दिखाता है कि जैसे कि इसने डैग को देखा ही नहीं हो और डैग यहाँ से भाग गया। डैग सीधा भाग कर लीना के घर आता है। डैग को यहाँ लीना के कई सारे पासपोर्ट मिलते हैं और बैग में इसे वो फोन भी मिल जाता है। डैग ये सब देख ही रहा था कि तभी डिटेक्टिव यहाँ आ जाती है। डैग डिटेक्टिव को वो फोन देता है जिसमें लीना और डैग के मैसेजेस थे। ये सबूत पाकर डिटेक्टिव डैग से कहती है कि मैं जानती थी कि तुमने एलियट को नहीं मारा है और तुमने ये सबूत मुझे देकर काफी अच्छा काम किया है। अब इस सबूत से मैं लीना को जेल तक भेज दूंगी। डिटेक्टिव लीना को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगते हैं, तभी टैग यहाँ एक चीज नोटिस करता है। टैग देखता है कि डिटेक्टिव के पैर पर वैसा ही हार्ट बना हुआ है जैसा इसने लीना के पैर पर देखा था। दरअसल डिटेक्टिव और लीना पहले से ही एक दूसरे से मिले थे। डिटेक्टिव का प्लान था कि लीना एलियट को मार कर ये उसके इंश्योरेंस के सारे पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। टैग यहाँ कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीना और डिटेक्टिव यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन लीना डैग को यहाँ वही फोन देकर जाती है जिसमें इसके और डैग के मैसेजेस थे। लीना और डिटेक्टिव हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम डैग को देखते हैं। डैग ने उस फोन से ही साबित कर दिया था कि एलियट को इसने नहीं बल्कि लीना ने मारा था। डैग अपने घर आकर फिर से लीना के घर की तरफ देखता है। डैग यही कहता है कि अगर आज भी लीना वापस इसके पास आती है तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा।